अच्छा बिल्कुल बच्चों, आज हमने पढ़ना है स्टोरी का रिसर्च। सिर्फ 19 बच्चे आए हैं, बाकी कितने गए? इसके ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब मेथड अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ स्टोरी के रिसर्च। क्लिनिकल प्रैक्टिकम के टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आप लोगों ने अभी के नहीं? किसी ने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया? क्लिनिकल प्रैक्टिकम का काम नहीं करना आप लोगों ने? हाँ तो आप सबने कोई ना कोई टॉपिक जरूर सेलेक्ट करना है। कल की क्लास में मैंने टॉपिक पूछ लिया आप लोगों से पहले। स्टोरी का रिसर्च क्या है? स्टोरी का रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू स्टडी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस बाय गैदरिंग असेंबलिंग क्लासिफाइंग एंड एवैल्यूएटिंग डेटा। तो हिस्टोरी का रिसर्च जैसे कि नाम ही बता रहा है, हिस्ट्री पे बेस है। ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को गैदर करने, उनको असेंबल करने और देन एवैल्यूएट करना है, इसको कहते हैं। One important objective of the researcher is to bring forth historical data in order to look for ways to direct present and future experience. तो historical research करने का objective क्या है, मकसद क्या होता है researcher का? कि पिछले वाला data देख के तो present और future experience को better करना, ताकि history में जो गलती हुई हुई है वो present में repeat ना हो, इसलिए हम historical research करते हैं। Findings allow the reader to understand what occurred in the past and modify life practices in an attempt to prevent unwanted past experiences from reoccurring. तो reader जो है वो ताकि past में जो चीजें हो चुकी है उनको understand करे और वो गलतियाँ जो है वो present में ना दोहराए, इसलिए हम story का research करते हैं। ठीक है, past history में जो research हो चुकी है उसको evaluate करते हैं, study past life experiences और उन पर
पास्ट टाइम एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और डाटा को एवेलुएट करते हैं ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर में वो वाली मिस्टेक ना हो और अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकें। द रिसर्चर में चूज टू यूज अ बायोग्राफिक फॉर्मेट एज अ स्टोरी द रिसर्च हाउएवर बिफोर डॉक्यूमेंटिंग इवेंट्स इन अ पर्सन लाइफ द रिसर्च डन मस्ट बी सीन। और ये बायोग्राफी के फॉर्म में भी हो सकती है, आपने देखा होगा डिफरेंट लोग हैं वो अपनी बायोग्राफी देते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। परमिशन टू डू सो आफ्टर द रिसर्चर गैदर हिस्टोरिकल डेटा अबाउट द बायोग्राफी टाइप डेटा इंटरप्रिटेशन भी उस डेटा बायोग्राफी के फॉर्म में डेटा लेने के बाद डेटा की इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाती है। द रिसर्चर डेवलप्स theory about the person's life experience and past and present influence in his or her life. और उसके बाद जो researcher है वो उस person की life के ऊपर theory को develop करता है उसकी past और present life के ऊपर। The researcher then develops an abstract that describes the person's life practice and significance and consequences of these practices as definitive documentation। उसके बाद जो है वो abstract develop कर लेता है researcher जो के person की practices के ऊपर influence करती है। Last finding in the documentation that focus on action theories and practice discussed in the research should be presented। तो उसके बाद action theories और practices जो भी discuss हुई है researcher उसको mention कर देता है finding। Example of historical research. Moore 2009 used historical research method to study the function of surgical nurses in preventing sepsis in wound. अब ये historical research थी किसके ऊपर nurses के ऊपर जो wound के sepsis की prevention में जो है ना क्या function perform करती है। In addition, an aim of the study was to identify how this role was represented in nursing literature during the period preceding the use of antibiotic 1895 to 1935 के period में nurses के role को किस तरह से present किया गया ये भी देखना था, ये भी मकसद था इस research का। During this time, trained nurses working in the surgical clinical settings were seen as supporter of surgeons' effort to prevent wound sepsis. However, nurses were blamed when a patient was diagnosed with तो उस टाइम में नर्सिस जो थी वो सपोर्ट करती थी डॉक्टर को सर्जन को वुंड सेप्सिस प्रिवेंट करने में, लेकिन जब ब्लेम सारा का जब पेशेंट डायग्नोज होता था वुंड सेप्सिस के साथ तो सारा का सारा ब्लेम जो था वो नर्सिस के ऊपर आ जाता था। मोर यूज ऑफ स्टरलाइज ड्रेसिंग सप्लाइज डिक्रीज डिपेंडेंट ऑन नीडलेस एंटीसेप्टिक्स एंड फीवर rigorous process to preparing these supplies for surgery were the greatest change in quality of awareness and practice। तो अब सर sterilized dressing use करना, proper antiseptic use करना, ये वाली जो चीजें थी ये important थी कि इसकी awareness की जाए और practices में change आ जाए ताकि sepsis ना हो। The literature associated the nurse with the surgeon instead of the patient and the relationship between the nurse and the surgeon interpreted as subservient, surgeon was seeking support and a meticulous approach from nurse। literature जो था वो nurse को surgeon के साथ associate करता था, मतलब उसकी as a assistant या subordinate कह लो ये वाला relationship show करता था, ना कि nurse का patient के साथ relationship show करता था। This research provide evidence for nurses related to not only the lasting characteristic of clinically based understanding and practice but also how other may not be going to change। तो ये evidence provide करती थी कि वो last character है clinically based understanding और practice के नर्स है वो सिर्फ subordinate होती है surgeon की और वो खुद से कोई भी काम नहीं करती। historical research data collection data that provide a sample for historical research could contain documents, videotapes, interview with participants who provide first-hand account pictures and other
पर्टिनेंट टू दी हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है प्रीवियस तो होती है उसके ऊपर रिसर्च है, मतलब जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी तो उसमें आंसर लाइक सप्लाई फूड टेस्टिंग ये वो सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से वो सब चीज़ होता था, लेकिन लोग नर्स को भी नहीं करते थे। हालांकि नर्सिस को जो है लिटरेचर में सिर्फ सर्जन की सबऑर्डिनेट हो गया, जो वो ही करती थी जो सर्जन उनको कहते थे। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च से हम क्या अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर करते हैं। तो इससे हमने देखा कि अगर स्टरलाइज सप्लाई मिले, सारी चीज़ें स्टरलाइज हो, एंटीसेप्टिक हो, एंटीसेप्टिक अच्छा यूज किया जाए तो वो सबसे जो है वो नहीं होगा। अब है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो डाटा जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो टेप हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है पार्टिसिपेंट के साथ, वो लोग और फर्स्ट हैंड अकाउंट एंड पिक्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा कलेक्शन में इस्तेमाल, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है वो उसको समझ में आ गई। एग्जाम्पल मैं रिपीट कर देती हूँ, हिस्टोरिकल रिसर्च ये है कि हिस्ट्री में जो रिसर्च हो चुकी है उसको देखना ताकि हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकें, वो वाली गलतियाँ ना दो राय जो कि हिस्ट्री में हो चुकी है। इसमें वूंड सेप्सिस की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि वूंड सेप्सिस हो जाता था मरीजों को और रिलेटेड कहता था कि नर्सिस की वजह से, नर्सिस की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है वो वूंड सेप्सिस होता है। हालांकि बुक में नर्सिस जो है वो तो सिर्फ सर्जन को सपोर्ट करती थी, अनस्टरलाइज्ड ड्रेसिंग और एंटीसेप्टिक से यूज नहीं होते थे जिसकी वजह से वो सेप्सिस होता था। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि अगर स्टरलाइज सप्लाई और एंटीसेप्टिक से यूज किया जाए तो वो सेप्सिस नहीं होगा। ठीक है, हिस्ट्री में हमने चीज़ों को देख के अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया। और डाटा कलेक्ट करने के लिए पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, ऑब्जर्वेशन नहीं होगी सॉरी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं ना तो इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दी हिस्टोरिकल रिसर्चर मस्ट बी स्पेसिफिक अबाउट दी हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑफ कंसर्न इन ऑर्डर टू यूज ओनली आर्टिफैक्ट दैट प्रोवाइड क्रूशियल डेटा फॉर दी स्टडी इंसिडेंट। तो इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स तक ही रिसर्चर जो है वो अपने आप को स्पेसिफिक रखता है, ताकि जो आर्टिफैक्ट मतलब वो चीज़ें जो यूज़ कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स हो गए या वीडियो टेप हो गई, वो डाटा प्रोवाइड करती है स्टडीज इंसिडेंट्स के बारे में। डेटा सोर्सेज आर कंसीडर टू बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड आई विटनेस टू दी हिस्टोरिकल इवेंट एंड प्राइमरी सोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू सप्लाई रिसर्चर विद मोर ट्रस्टवर्थी इंफॉर्मेशन देन अ सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट के आई विटनेस जो लोग हैं वो हैं, और ये मोर रिलायबल डेटा फ्राम करते हैं एज कम्पेयर टू
सेकेंडरी सोर्स के, मतलब हिस्ट्री में जो चीज़ें वो हुई नहीं है, रिसर्च हुई है उनको जिन लोगों ने देखा हुआ, जो ऑब्जर्व किया, वो लोग प्राइमरी सोर्स में आएंगे और सेकेंडरी सोर्स में रिटर्न चीज़ें, रिटर्न डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी सोर्स सप्लाई डेटा दैट हैव बीन कन्वेड टू देम अबाउट द फिनोमेना. द फर्दर हैज इंफॉर्मेड इट्स फॉर बीइंग एन आई विटनेस टू एनी वेयर इन मोर ट्रस्टवर्थी इन्फॉर्मेशन बिकम. तो जितना वो आई विटनेस नहीं होगा उतना ही डेटा जो है वो अनट्रस्टवर्थी होगा, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अनट्रस्टवर्थी होगी. सेकेंडरी सोर्स जो वो होगा जिसको जो चीज़ें बताई गई होगी लेकिन उसने आई विटनेस नहीं किया होगा. जो प्राइमरी सोर्स होगा वो हिस्टोरिकल इवेंट का आई विटनेस होगा जिसके दूसरे सुनी बात नहीं बताएगा, डेटा कलेक्शन भी वो सेकेंडरी सोर्स है और वो इतना रिलायबल नहीं है. डेटा एनालिसिस कैसे होगा इसमें? The evidence is shaped using historical research sensitive methodology using two forms. The data for sensitivity is evaluated using external criticism and evaluating the value of the evidence of historical data is internal criticism. So data ko do tarah se evaluate karte hain, external criticism ke through aur internal criticism ke through. The purpose of internal criticism is to judge the contents of criticism, external and internal. तो इंटरनल का पर्पस जो है वो जज करना है कंटेंट को, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों से. डाटा की ऑथेंटिसिटी को हम एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के थ्रू. ट्रुथ ऑफ डाटा इज द फाउंडेशनल इशू बीइंग फैमिलियर विद स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड इज क्रूशियल फॉर असेसिंग रिलायबिलिटी. डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन हिस्टोरिकल रिसर्च. उसकी रिलायबिलिटी के लिए डाटा की ये जरूरी है कि हम उससे कितने फैमिलियर हैं. अगर प्राइमरी सोर्स यूज हुआ होगा तो डाटा रिलायबल होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट किया गया तो डाटा इतना रिलायबल नहीं होगा. और डाटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है वो एक साथ ही किए जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में. बस ये था हिस्टोरिकल रिसर्च. समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं?
अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइएंगुलेशन। ट्राइएंगुलेशन क्या होता है? ट्राइएंगुलेशन इज द यूज ऑफ मल्टीपल सोर्सेज और रेफरेंस टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट द ट्रुथ। इसमें हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमने सही डाटा कलेक्ट किया। इसको कहते हैं ट्राइएंगुलेशन। In quantitative study, this might mean having alternative operational definition of a dependent variable to determine if predicted effects are consistent across the two. Quantitative में ये alternative operational definition हो जाती है dependent variable की, ये देखने के लिए कि क्या effect जो है वो true है या नहीं है। और qualitative में involving try to understand the full complexity of a poorly understood phenomena by using multiple means of data collection to converge on the truth। और qualitative में भी यही है कि different तरीके से data collection method use करना ताकि हम truth को जो है ना सही conclusion पे पहुंचे कि हमने सही data collect किए। तो triangulation, tri means trees का मतलब यही है कि multiple sources से data collect करना। ओके, नेक्स्ट यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया है क्रिटिक रिसर्च। क्रिटिक का मतलब होता है तनकीद करना। तनकीद पॉजिटिव भी हो सकती है और तनकीद नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप पढ़ते हैं क्रिटिक कैसे करना है रिसर्च को। ऑब्जेक्टिव इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव एट द एंड यू पीपल विल बी एबल टू डिफाइन क्रिटिक, डिस्क्राइब इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्रिटिक, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव नर्सिंग क्रिटिक और एक्सप्लेन कर सकते हो क्वालिटेटिव नर्सिंग क्रिटिक। व्हाट इज रिसर्च क्रिटिक? रिसर्च क्रिटिक है क्या? ए क्रिटिकल एवेलुएशन और अप्रेजल ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। क्रिटिकली जब हम एवेलुएट करेंगे रिसर्च रिपोर्ट को तो उसको क्रिटिक कहते हैं। रिसर्च क्रिटिक डेफिनेशन, सिस्टमैटिक अनबायस्ड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टडी टू जज द मेरिट्स लिमिटेशन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक। तो ये एक सिस्टमैटिक अनबायस्ड एग्जामिनेशन है।
स्टडी को टच करने के लिए, जिसमें हम उनके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों को देखते हैं, मीनिंग को देखते हैं और सिग्निफिकेंस को देखते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक। जितना हमें नॉलेज होता है, जितना आपके पास रिसर्च का नॉलेज होगा, जितना एक्सपीरियंस आएगा, तो आप इसमें क्या आर्टिकल्स को डाउनलोड करके आर्टिकल्स के ऊपर क्रिटिक की जाती है। आर्टिकल आपने पढ़े हैं कभी कोई, अभी जब मैंने आपको दिखाया था गूगल स्कॉलर से कैसे डाउनलोड करना है, तो आप चाहें उधर गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स को डाउनलोड करें और पढ़ें और उसके ऊपर क्रिटिक की जाती है। रिसर्च क्रिटिक रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, अप्रेजल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल। के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है और इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए होती है क्रिटिक करने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिंग क्रिटिक, रिसर्च क्रिटिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? टू ब्रॉडन अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में यूज करने के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिटिक जरूरी है, एनकरेज नर्सेज टू पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल इंक्वायरी एंड प्रोवाइड एविडेंस फॉर यूज इन प्रैक्टिस। और नर्सिस को इंकरेज करना कि वो क्लिनिकल इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करें और प्रैक्टिस के लिए एविडेंस प्रोवाइड करें। पहला था इम्पोर्टेंस, ठीक है, अब है पर्पस। पर्पस क्या है इसका? टू असेस स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, स्टूडेंट की मेथोडोलॉजी एंड एनालिटिकल स्किल्स को देखना। ऐसे अभी आपने अभी तक टॉपिक की सिलेक्ट नहीं किया, तो आप क्या आर्टिकल के ऊपर क्रिटिक करोगे? सीजन रिसर्चर्स टू हैव जर्नल एडिशन, जर्नल मैंने बताया था एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स रखते हैं। रिटन क्रिटिक इज अ गाइड टू रिसर्चर टू एडवांस नर्सिंग नॉलेज एंड प्रोफेशन। तो ये गाइड फ्रॉम करती है रिसर्चर को और नर्सिस की नॉलेज को एडवांस करती है और प्रोफेशन को। अप्रोचेस फॉर क्रिटिकिंग प्रिंसिपल, इसके क्या है? बी ऑब्जेक्टिव, मेक कमेंट्स स्पेसिफिक टू द वर्क यू आर रिव्यूइंग। आप जिस भी वर्क को रिव्यू कर रहे हो उसके बारे में स्पेसिफिक कमेंट्स करना। बी कंस्ट्रक्टिव, क्रिटिक शुड बी एन एडवाइजरी एंड कंस्ट्रक्टिव नेचर। तो क्रिटिक जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए बल्कि एडवाइजरी होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव नेचर की होनी चाहिए। प्रोसेस क्या है क्रिटिक का? कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड करना, फिर कंपैरिजन, कंपेयर करना, फिर एनालिसिस, एवैल्यूएशन एंड कंसेप्चुअल क्लस्टरिंग। तो ये इसके प्रोसेस के इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। जनरल गाइडलाइंस क्या है क्रिटिक की? रीड एंड क्रिटिक द एंटायर स्टडी, बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक,
comments on strength and weakness, give specific examples and suggest alternatives. आपने सारी की सारी स्टडी को मतलब पूरे आर्टिकल को रीड करना है और उसको क्रिटिक करना है, बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक, कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ भी बतानी है, उसकी वीकनेस भी बतानी है, स्पेसिफिक एग्जांपल देनी है और उसके अल्टरनेटिव सजेस्ट करने हैं कि अगर ये चीज गलत है तो उसको इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है. यूज पॉजिटिव टर्म्स व्हेनेवर पॉसिबल एंड से द पॉजिटिव पॉइंट फर्स्ट. तो क्रिटिक करते हुए पहले पॉजिटिव क्रिटिक करनी है आपने, उसके बाद नेगेटिव क्रिटिक करनी है. पहले पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं उसके और फिर नेगेटिव. अवॉइड वेस्ट जनरलाइजेशन ऑफ वेग एंड फॉल्ट फाइंडिंग. तो वेग जो अनक्लियर जनरलाइजेशन है उसको और फॉल्ट फाइंडिंग को अवॉइड करना है. Be sensitive in handling negative comments. Negative comments जो है वो देते हुए sensitive होना है, मतलब ज़्यादा सारे negative comments नहीं देने. Comments should be constructively positive. Evaluate substantive, ethical, methodological, interpretative and presentational dimension. तो देखना है कि ethical improvement मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, उसकी methodology को देखना है article की और presentational dimension की, वो किस तरह से readable है, अट्रैक्टिव है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशनल डायमेंशन में आती हैं. इन सारी चीज़ों को आपने देखते हैं आर्टिकल की. इनिशियल क्रिटिक, जब इनिशियल क्रिटिक करनी है तो कौन से क्वेश्चन आपने देखने हैं, जिनका आपने आंसर देखना है. व्हाट टाइप ऑफ स्टडी वाज कंडक्टेड, किस टाइप ऑफ स्टडी कंडक्ट की गई है, डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जर्वेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है, किस तरह की है, फिनोमिनोलॉजी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स है ना स्टडी की. तो आप पहले आप देखेंगे कि वो कौन सी टाइप की स्टडी है जो कंडक्ट की गई है. व्हाट वाज द सेटिंग, सेटिंग कैसी थी, जगह जिसे जहाँ पर स्टडी कंडक्ट की गई. व्हाट द स्टेप्स क्लियरली आइडेंटिफाइड, क्या स्टेप्स को हम क्लियरली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. वाज देयर अ लॉजिकल फ्लो, और आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसमें जो लॉजिकली चीजें लिखी हुई है या इनलॉजिकल है. एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च क्रिटिक, एक रिसर्च क्रिटिक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. सब्सटेंटिव एंड थ्योरेटिकल डायमेंशन, मेथोडोलॉजिकल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, इंटरप्रिटेटिव डायमेंशन और प्रेजेंटेशन और स्टाइलिस्टिक डायमेंशन. तो इन सारे डायमेंशन को देखते हैं हम. थ्योरेटिकल थ्योरी कैसी दी हुई है, थ्योरी बेस्ड है या नहीं, और मेथोडोलॉजी कैसी है, एथिकल अप्रूवल मिला या नहीं मिला, रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया हुआ है, और एंड पे प्रेजेंटेशन या स्टाइलिस्टिक डायमेंशन, ओवरऑल उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है आर्टिकल की, उसके ऊपर जो है वो क्रिटिक करते हैं. तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिक की जाती है, ये रिसर्च क्रिटिक के एलिमेंट्स हैं. अब पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्रिटिक, क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर किस तरह से क्रिटिक की जा सकती है. ये पढ़ने से पहले हम अपनी अटेंडेंस का बात
मार्क्स और अटेंडेंस।
अर्तुगरुल कौन है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्रिटिक करेंगे, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपने देखे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्रिटिक करते हुए इज द पर्पस ऑफ द स्टडी प्रेजेंटेड। मेरी आवाज आ रही है सबको? पर्पस ऑफ द स्टडी प्रेजेंटेड, पर्पस प्रेजेंट किया गया स्टडी का, यानी इज द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस। Does the investigator provide a sense of what he or she is doing here and why? But the purpose identify करने आपने कि article में introduction में purpose दिया गया, significance दिया गया, उसकी importance बताई गई है और justification दी गई है कि नहीं, ये चीजें आपने introduction में check कर दी। फिर problem statement। अब ये different component हैं article के जिसके ऊपर आपने critique। Is the problem statement clear? क्या problem statement clear है? Does the investigator identify key research questions and variables to be examined? तो क्या research question दिए गए हैं, variables बताए गए हैं, कौन से variables हैं वो उसके ऊपर study की गई है? Does the study have the potential to help solve a problem that is currently faced in clinical practice? और क्या study जो है वो वाकई प्रॉब्लम का सलूशन दे रही है जो अभी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में करंटली कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या नहीं। जैसे कि आप वुंड सेप्सिस पे ले लो, उस पर अगर कोई आर्टिकल मिला है तो उसमें देखते हैं कि क्या सलूशन दिया गया उसमें रिसर्च करने के बाद या फिर नहीं।
सेकेंड पार्ट है लिटरेचर रिव्यू. डज लिटरेचर रिव्यू फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस लीडिंग टू अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ स्कोरिंग एंड क्रिटिकल ट्रायल वर्क. लिटरेचर रिव्यू में देखना है कि क्या लॉजिकल सीक्वेंस है स्कोर कर रहा है या कंपनियां के उसके ऑपोजिट. लिटरेचर रिव्यू में आप सपोर्टिव भी दे सकते हो और उसके ऑपोजिट भी वर्क को दे सकते हो. तो क्या कंफ्लिक्टिंग प्रायर वर्क है या सपोर्टिव है. इज द रिलेशनशिप ऑफ द स्टडी टू प्रीवियस रिसर्च क्लियर. और प्रीवियस रिसर्च के साथ जो रिलेशनशिप बताया गया लिटरेचर रिव्यू में वो क्लियरली लिखा गया या नहीं. डज द इन्वेस्टिगेटर डिस्क्राइब गैप्स इन द लिटरेचर एंड स्पोर्ट द नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट स्टडी. तो लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से गैप बताया रिसर्चर ने कि क्या गैप था जिसको फिल करने के लिए प्रेजेंट स्टडी की गई या फिर. नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. चेक इफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब. आपने देखना कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब किया गया या नहीं. इफ नॉट डज इट डिट्रैक्ट फ्रॉम द रिसर्च. अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ये आपने देखना है. आर द कंसेप्ट टू बी स्टडीड आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड. जो कंसेप्ट है स्टडी के वो डिफाइंड है या फिर के नहीं. आर मेजर फॉर ईच ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब. तो हर एक को मेजर करने का तरीका बताया गया या नहीं. डज द रिसर्च प्रॉब्लम फॉलो नेचुरली फ्रॉम द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो क्या फ्लो है उसका या नहीं प्रॉब्लम का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ. ये सारी चीजें आपने देखनी है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्रिटिक करते हुए. अभी तक तो पढ़ा है सब क्लियर समझ आ रही है सबको. रिसर्च क्वेश्चन से हम कल पढ़ेंगे. अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए. फिर बाकी फिर अभी यहाँ से कल.